हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबीना आप सबको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं स्वीट कॉर्न बनाने जा रही हूँ, क्रिस्पी स्वीट कॉर्न। अच्छा लगता है, ये स्नैक है एक तरह का। आप शाम में इसको बना के चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है, आप अपने लिए भी बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। बहुत जल्दी बन जाता है। इसे बनाने के लिए मेरे पास स्वीट कॉर्न था, ये मिलता है ऐसे फ्रीज़र में रख के इसको हल्का सा स्टीम करके बॉईल करके खा सकते हैं। वैसे भी चाट उट मसाला डाल के इसे मैंने स्टीम करके बॉईल कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसको मिक्स करूँगी मैं। ये 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा कॉर्न था, मैंने इसको स्टीम में बॉईल कर लिया है। अब इसको ये सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं दूसरी तरफ तेल रख दिया गरम होने के लिए, खूब तेज़ गरम करेंगे तेल, फटाफट फ्राई हो जाता है, बहुत कम टाइम में लगता है, बस 4 से 5 मिनट में हमारी कॉर्न क्रिस्पी कॉर्न तैयार हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि ऐसी क्रिस्पी चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है। सबको ही मज़ा आता होगा, मुझे तो बहुत आता है, तो आप लोग में से बहुत से लोगों को आता होगा, तो बना के इसको खा सकते हैं। इसे अच्छे से इसकी कोटिंग अच्छे से कोट कर लेंगे सारे कॉर्न पे, अच्छे से कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो जाए। कॉर्नफ्लोर से ही क्रिस्पी होता है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, देख लिया है मैंने, एक डाल के देख लिया है। अभी थोड़ा सा कसा रह गया था इसमें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और रख दिया है 1-2 मिनट कि और तेज़ गर्म, क्योंकि इसको तेज़ गर्म पे ही हम करेंगे। देखिए तेज़ गर्म हो गया था, मैं इसमें कॉर्न डाल दूँगी। इसको जैसे तेज़ आँच पे करने पे 1 से 2 मिनट हो जाता है, लेकिन तेज़ आँच पे फूटता बहुत है, ऊपर आता है फूट के, तो डालते ही इसे कम कर देंगे जब आँच, तो जैसे फूट के मुंह पे आता है तो फूटने का कम डर रहेगा। और लेकिन तब भी एहतियात के लिए 1 प्लेट आप ले लें कि मुंह पे ना आए फूटते वक्त, लेकिन कम कर देने से बिल्कुल भी नहीं फूटता है। मैंने बहुत बार बना के अंदाज़ा लगाया, देख लिया है, तो इसलिए, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। जब 1-2 मिनट कम करके फिर छोड़ देंगे, फिर तेज़ करेंगे, तेज़ करने पे ही ये क्रिस्पी भी हो जाएगा, फूटना भी कम हो जाएगा, फूटना बंद हो जाएगा। छिटक के मुंह पे आता है तो जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, फिर दाग भी छोड़ जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। अब मैं तेज़ आँच कर दूँगी, देखिए तेज़ आँच कर दिया था और अच्छे से 1 से 2 मिनट में अच्छे से क्रिस्प हो गया है। अब गैस बंद कर दिया, अब इसको निकाल लेंगे। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर पहले डाल दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है। आप चाहें तो बाद में भी डाल के ऊपर से डालते, लेकिन मैं पहले ही डाल दी थी कि अंदर तक अच्छे से मसाला हो जाए। अब इसको छानते हुए निकाल लेंगे 1 प्लेट में। इसकी आवाज़ देखिए आप सुन सकते हैं, कितना ज़्यादा क्रिस्प हुआ है, बहुत मज़ा आने वाला है खाने में। अब इसको थोड़ा सा इसकी सीजनिंग करेंगे। इसमें मैंने चाट मसाला 1-2 चुटकी जैसे ही ऊपर से डाल दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है। अब हरा धनिया मैंने काट के रखा है, इस पर हरा धनिया लगा देंगे। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो इसमें हरी मिर्च भी काट के आप बारीक ऊपर से डाल के खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। लेकिन मेरे घर में बच्चे हैं तो इसलिए मैं नहीं डाली हूँ, क्योंकि वो लोग भी खाते हैं तो हरी मिर्च नहीं खा पाते हैं। तो अब इसको मिक्स कर देंगे, मिक्स करके अब इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी सा क्रिस्पी सा कॉर्न हमारी तैयार हो गई है, बस 4 से 5 मिनट में ही तैयार हो गई। अब इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। आप लोग भी बनाइए और खा के बताइए कैसी बनी है। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।